यादव वक्त हो गया खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। देश प्रदेश वासियों ने नए साल का स्वागत किया है। जश्न में डूबा शहर के लोगों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी हैं। पार्कों और स्मारक स्थलों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। नए वर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। होटल और रेस्टोरेंट में नए साल की भी रौनक देखने को मिली है। आतिशबाजी जलाकर वर्ष 2024 का शानदार स्वागत किया गया। तो देश प्रदेशवासियों ने नए साल का स्वागत किया है। ये तस्वीरें आप देखिए, नए साल को लेकर पूरा देश जश्न में डूबा रहा। और ये लखनऊ से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर हजारों लोग इकट्ठा होकर नए साल के इस नए वर्ष का आगाज कर रहे हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो प्रशासन चप्पे चप्पे पर अलर्ट मोड पर नजर आया। तो नए वर्ष को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिखा और वहीं देश प्रदेशवासियों ने इस नए साल का स्वागत किया है। ये आप तस्वीरें देखिए, वर्ष 2024 का शानदार तरीके से आगाज किया गया है। पूरे देश में जश्न का माहौल बना रहा। अगर वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुख्ता इंतजाम देखने को मिले हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स हर जगह नजर आई। तो नववर्ष के स्वागत में आज देश दुनिया में पूरे धूम धड़ाके के साथ हर रोज जश्न मनाया गया है। नए साल 2024 के आगमन को लेकर शहर से गाँव तक लोग उत्साहित नजर आए हैं। तो नया साल खुशियों से, उमंग से भरा हो, सबकी यही ख्वाहिश है। नए साल के मौके पर लोग कहीं तो सहयोगी हमारे साथ अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। रोहित मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके बाद झांसी से एस झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, देखिए नए साल का आगाज हो चुका है, अगर बात की जाए तो प्रशासन कहां पर किस तरीके से नजर आया? बिल्कुल नंदनी, मैं बताना चाहूंगा, देखा जाए नए साल का जश्न जो है पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और सभी लोग ये ख्वाहिशें रखे हुए कि नया साल उनका जो पिछले साल बीता हुआ साल उससे और काफी बेहतर हो। वही कई मायनों में देखा जाए, जिस हिसाब से देखा जाए अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस मायने में भी जो है 2024 काफी मायने रखता है, काफी जो है लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। वही दूसरी तरफ देखा जाए राजनीतिज्ञों के लिए, तो क्योंकि 2024 में ही लोकसभा का चुनाव होना है, तो कहीं ना कहीं जो है वर्ष 2024 जो है कई मायनों में यहाँ पर जो है लोगों के लिए बेहतर हो। लोग सुबह से ही मंदिरों में, हमारे पीछे आप देख सकते हैं मंदिर है, मंदिर पर मौजूद यहाँ पर सुबह से ही लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, मंदिर में दर्शन पूजन कर रहे हैं और जो सुबह की शुरुआत कर रहे हैं, नए वर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद है। इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है, किस तरह से आप लोग नए वर्ष को अपना मना रहे हैं। नए वर्ष मना रहे हैं कि नया वर्ष हमारे लिए बहुत ही सुंदर है, क्योंकि जो 500 वर्षों से हम लोगों का सपना था वो 2024 में साकार हो रहा है, क्योंकि श्री राम की स्थापना हो रही है। और उससे बड़ी बात है कि हमारा ये सबको देखते हुए 2024 बहुत अच्छा होगा। अब हम तो बड़े सामना कर रहे हैं कि हम लोग भी सपने रखते रहे। किस तरह से सुबह सुबह आप लोग मंदिर के आसपास आगे पूजा अर्चना करने के लिए, किस तरह से मंदिर पूजा अर्चना कर रहे हैं आप लोग? हम लोग 2024 एक नई उमंग और जोश के साथ मना रहे हैं कि नए नई सोच और नए उमंग के साथ मंदिर में आए हैं, दर्शन कर रहे हैं भोलेनाथ के, नई सोच के साथ नया कुछ करने का।
नंदी देख रही हैं आप, जो लोग हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो नया वर्ष है वो नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ और नए जोश के साथ जो है उसका जो स्वागत किया जाए, ताकि जो साल है वर्ष 2023 इस तरह से बीता है उससे बेहतर वर्ष 2024 हो सके। तो कई मायनों में वर्ष 2024 काफी खास है, चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की बात कर ली जाए या फिर लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, तो कई मायनों में वर्ष 2024 जो है लोगों के लिए काफी खास दिखा जा रहा है। बिल्कुल ऐसे, देखिए नए वर्ष का लोग बड़े बेहतरीन तरीके से स्वागत कर रहे हैं। क्या कुछ अगर झांसी की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ नजारा देखने को मिला? देखिए झांसी की बात करें तो झांसी में नए वर्ष में तमाम नव युवक हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो नवे का उत्साह के लिए रास्ते में देखे गए। तमाम लोग जो अपने होटलों में पार्टियां की हैं, तमाम डांस वगैरह, तमाम गोले वगैरह, तमाम चीजें ऐसी जो चलाई हैं। लेकिन पुलिस की बात करें, पुलिस ने सभी 14 जगह पर चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर तमाम लोग ऐसे लोग रहे जो शराब पीकर गाड़ियां चला रहे थे, उनका चालान भी किए गए। कई जगह ऐसी भी रही जहां शराब के नशे में गाड़ी भी डली है, तो इस तरीके का देखा गया है। लेकिन नए साल का 2024 का आगाज हो गया है, तमाम लोग हैं जो अपने घरों से मंदिरों पर पूजा पाठ करने के लिए पहुंच गए, दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं, सुबह पार्कों के लिए निकल पड़े हैं। इस तरीके 2024 का आगाज हो गया है, तमाम लोग वाले खुशी का माहौल बना रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही कहना है कि नए साल में सभी लोग एक दूसरे से अच्छे से बात करें, एक दूसरे से कोई भी लड़ाई ना करें, इस तरीके का यहाँ पर माहौल देखा गया। पुलिस की बात करें तो पुलिस रात 9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक यहाँ पर पुलिस का पहरा रहा। जी बिल्कुल मशहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मशहब देखिए 2024 का तो आगाज हो चुका है, लेकिन अगर लखनऊ की बात की जाए तो यहाँ पर क्या कुछ नजारा देखने को मिला? जी देखिए बिल्कुल, कल देर शाम से ही पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई थी। चप्पे चप्पे पर जो हुड़दंगी है उनसे निपटने के लिए पुलिस को लगा दिया गया था। हालांकि राजधानी लखनऊ में देर शाम से ही जो लोग हैं वो सड़कों पर निकलना शुरू हो गए, चाहे वो हजरतगंज की बात की जाए, गोमती नगर की बात की जाए, तमाम ऐसे राजधानी लखनऊ के इलाके हैं जहाँ पर देर शाम से ही लोगों का निकलने का हुजूम शुरू हो गया। जैसे ही 12 बजा उसके बाद लोगों ने जश्न मनाया। 2024 का आगाज होने के साथ ही लोग सड़कों पर उतरे और लोगों ने एक दूसरे से मुलाकात की, मुलाकात के बाद एक दूसरे से लोगों ने बधाई भी दी। हालांकि जो पुलिस थी वो 12:30 बजे रात के बाद से लोगों को अपने घर जाने के बारे में पुलिस ने बताया, और लगातार राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में जश्न का माहौल था। देर रात से ही यहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आए थे और कहीं ना कहीं 2024 के लिए न्यू ईयर का जश्न मना रहे थे। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।